गाइस आजकल हैकिंग काफी हो रही है, जिससे देखो हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। हैकिंग के जुड़े मामले में मैं आपको पूरे एक्सप्लेन से समझाऊंगा और साथ में आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिल ही जाएगी, जिससे आपको थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी। सबसे पहले हम चलते हैं फिशिंग की ओर, जान लेते हैं कि फिशिंग क्या चीज़ होती है। फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, ये वो मछली पकड़ने की तकनीक है जो कि सारे हैकर्स यूज करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि मछली को फंसाने के लिए हमें चारे की जरूरत होती है। जब हम चारा डालते हैं तो मछली उस चारे के कांटे में फंस जाती है और तभी वो उस शिकारी का शिकार हो जाती है। और ये वैसे ही ठीक उसी तरह हैकिंग इस विधा में मछली आप है और चारा होती है फूलिंग्स, जिनके जरिए आपको शिकार बनाया जाता है। यही तो पासवर्ड चुराने का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका भी है। और इसमें हैकर्स वो ओरिजिनल जैसा दिखाने वाला एक फर्जी वेबसाइट बनाता है और आपको उसका एक लिंक भेज देता है। साथ में एक हैकर एक ऐसा मैसेज या एक फोटो भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि आपको 50,000 की नौकरी, कैश प्राइज, लॉटरी या फिर आईफोन जैसे इस तरह का एक झांसा देता है, जिसमें आप लालच में आकर उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तभी होता क्या है कि हैकर द्वारा बनाया गया वेब पेज पर वो पहुंच जाता है। वहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन क्रिएट कर देते हैं और तब आपका इस तरह से अकाउंट हैक हो जाता है। यहां पर एक मेन बात निकल के आती है कि हम फिशिंग से सिक्योर कैसे रहे और इसका एक बचाव क्या है। पहला ये कि डोमेन या फिर ईमेल एड्रेस में स्पेलिंग की गलतियों पर अच्छी तरह से फोकस करके ध्यान दें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल आमतौर पर उस तरह का ईमेल यूज करते हैं जो कि कंपनियां बनाती है। बस वो हैकर उसमें थोड़ी बहुत हेराफेरी करते थे जिससे वो एकदम रियल दिखे। और ऐसे लिंक पर क्लिक करने से पहले आप कई बार सोचें और सोच समझ कर ही फैसला लें। हमारे यहाँ दूसरा पॉइंट ये आता है कि मेलवेयर भी हैकिंग का सबसे पॉपुलर और जानदार इफेक्टिव तरीका है। इसमें हैकर करता क्या है कि फोन या फिर कंप्यूटर में मेलवेयर के जरिए की लॉगर या फिर स्क्रीन स्कैपर के जरिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है, जिससे मेलवेयर आपकी एक हर एक गतिविधि को रिकॉर्ड करके हैकर के पास भेजता है। जब आप अपने फोन या फिर कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं या फिर कहीं पर भी आप लॉगिन करते हैं, तभी आपके यूजर नेम और पासवर्ड को रिकॉर्ड करके कैप्चर कर देता है, जिससे आपका हैकर के पास यह सारा अकाउंट चला जाता है। फिर यूं समझ लो कि आपका डाटा ही उसके पास चला गया है। यहाँ पर मेलवेयर भी चार प्रकार के होते हैं, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर और कीलॉगर। और इस तरह से आपका सिक्योर अकाउंट हैकर आसानी से पूरा हैक कर लेता है। और इस मेलवेयर से भी हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए आपके फोन में। कोई नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत कीजिए जिसके जरिए मेलवेयर आपके सिस्टम में आसानी से आ सके। एंटीवायरस के नकली पॉपअप पर कभी भी आप क्लिक ना करें। आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करके रखें। आप एक पायरेटेड ऐप से हमेशा बचकर रहें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि मेलवेयर हो। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी परमिशन जरूर चेक करें। एप्लीकेशन की समीक्षा और ऐप की रेटिंग पर जरूर ध्यान दें और ऐसे ऐप को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें जिसमें 50,000 से कम डाउनलोड हो। यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्मैशिंग। स्मैशिंग भी एक फिशिंग की तरह ही थोड़ा काम करता है। इसमें होता क्या है कि आप अपने फोन या फिर SMS के जरिए किसी को भी अपनी प्राइवेटली जानकारी दे देते हैं और यही तो ऑनलाइन सिक्योरिटी के मामले में एक नया खतरा उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ पर एक फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि स्पाइवेयर क्या चीज़ है। आजकल कुछ मोबाइल फोन्स में स्पाइवेयर आ गए हैं, इसे हैकर्स आपके फ़ोन में एक मिस कॉल देता है जिससे आपके फ़ोन में के अंदर स्पाइवेयर आ जाता है। हाँ, स्पाइवेयर आपके फ़ोन के अंदर पूरा एक्टिव तो हो जाता है, उसके साथ में आपके फ़ोन के अंदर जितना भी डेटा होता है वो स्पाइवेयर अपने अंदर कॉपी कर लेता है। मेरी ओर से आपको यही सजेशन है कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें जो कि अनसिक्योर हो और ऐसी वेबसाइट पर ना जाए जो कि फेक हो। आप अपने फ़ोन को दिन में 2 या 3 बार रिबूट या फिर स्विच ऑफ जरूर करें, जिससे आपके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन या फिर अनजाने में कुछ भी डाउनलोड हो रहा होगा वो वहीं पर रन करना बंद कर देगा और उसके बाद तब आपका फ़ोन अच्छे से रन होने लगेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो हमारे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।